चलिए बात कर लेते हैं एक और बड़ी और अहम खबर की। तो करनाल से बड़ी खबर है, जेल में आत्महत्या की कोशिश की है आरोपी ने। घायल आरोपी कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में भर्ती बताया जा रहा है। स्टील की प्लेट को हथियार बनाकर आत्महत्या की कोशिश की है इसने। फिलहाल मामले की जांच हो रही है, तो जेल प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। डीएसपी ने इस पर कहा है कि मामले की जांच हो रही है। तो हरियाणा के करनाल में जेल में बंद एक आरोपी ने खुद का गला काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। जेल प्रशासन ने आरोपी को गंभीर हालत में इलाज के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में 13 सितंबर 2023 से जेल में बंद है, जहां आरोपी ने अपनी बालक में खाना खाने वाली स्टील की प्लेट को तोड़कर उसके टुकड़े की तेजधार बनाकर अपनी गर्दन काट ली। आपको बता दें कि इस मामले की जांच की जा रही है। व्यक्ति था जो थाना निसिंग में पॉक्सो एक्ट के अंदर दर्ज था, 17 सितंबर 2023 को इसकी गिरफ्तारी की गई थी। अभी ये जेल में बंद था, जुडिशियल उसमें था, और कल इसकी कोर्ट में पेशी भी थी। उसके बाद जो हमें जेल अथॉरिटी से सूचना मिली है कि कल इसने स्टील की प्लेट के साथ सुसाइड करने का अटैम्प्ट किया है, उस सूचना पर हमने केस दर्ज कर लिया है और ये अभी कल्पना चावला हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट है, इसकी कंडीशन स्टेबल है। ये जेल अथॉरिटी से सूचना मिली है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिए, उसकी हम जाँच कर रहे हैं।